हाँ मैं मैकलेवेन हूँ और मुझे कुछ और पैर जमीन से ऊपर उठ गए। ओह माय गॉड, ये तो बहुत ही जबरदस्त शॉट था यार। इस टेप को अपने पास ही रखना मैकलेवेन। ये बहुत जबरदस्त था सच में। आपको इसकी जरूरत नहीं लगेगी सबूत के लिए। इसे देखकर एक ही बात का सबूत मिलता है कि तुम मुक्के खाने में चैंप हो। सच में रख लो। क्या कोई लेडी इस स्टेप को देखना चाहेगी? नहीं, तुम बाहर की लड़कियों को मिलना पसंद नहीं करोगे। सच में जब मुझे एहसास हुआ कि लड़कियों के लिए ये जगह सही नहीं है, तब मेरी पूरी जिंदगी बदल गई। लड़कियों को ढूंढने के लिए स्पिन क्लास, फार्मर्स मार्केट, पंपकिन पैच, ये जगह बिल्कुल सही है। बस जरा पब्लिक में, जहाँ कम खतरा हो, ऐसी किसी जगह पर हो। मतलब मैं मेरी बीवी से पेंटबॉल में मिला था। हाँ, मुझसे उस पर रंग उड़ गया था और फिर हम दोनों की जिंदगी रंगीन हो गई। मेरी पहली बीवी जो कि बच्चलन औरत है, बाय द वे तुम्हें क्या लगता है हम कहाँ मिले होंगे? एक बार में हाँ इसी बार में मिले थे। उसके लिए ड्रिंक्स लिए, उसके बैग की तारीफ की और कुछ ही देर बाद उसने अपना मुँह खोला और मैं बस पता नहीं कहाँ खो गया। पता ही नहीं आपको मुझे ये बताने की। वैसे देखा जाए तो उसने मेरी पूरी दुनिया ही बदल दी। हमारी वेडिंग नाइट पर उसने एक पार्टी रखी और मुझे वहाँ नहीं बुलाया, पर मैंने दीवार के उस पार का सब सुना। वो कमाल की थी। और ठीक 23 महीने बाद की बात है तब मुझे पता चला कि वो वाकई में बच्चलन है। हमें वो रास्ते पर पड़ी मिली। हाँ वो बुरी थी, एक बुरी बच्चलन औरत। और अब तुम्हारी दूसरी बीवी है ना, तो हाँ और वो बहुत कमाल की है। तुम मिलोगे उससे? मुझे तुम्हारी ट्रिक पता चल गई है मैकलेवेन। तुम लड़कियों को पटाने के लिए बंद करो यार इसे। तुम छुपे रुस्तम होने का नाटक अच्छे से करते हो, है ना? हाँ सच में लड़कियों में कितने पॉपुलर हो। हाँ हाँ मुझे लड़कियों को घुमाने का कोई शौक ही नहीं है, उन्हें जन्नत दिखाने का शौक है। समझ गया। क्या मतलब मुझे भी बताओ। जन्नत दिखाएगा। हाँ अच्छा मजाक था। हाँ अच्छा मजाक था। तो ठीक है, हमें जरूरी कॉल आया है। हाँ। हम इसके पैसे नहीं देंगे। 10-4 हम वहाँ पर आ रहे हैं। वक्त नहीं है, जल्दी करो, चलो जल्दी। नहीं, रास्ते में पीने के लिए बियर्स लेनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल, हमें और बियर चाहिए। 13 बियर्स मिलेंगी प्लीज।